के कगार पर आ गए हैं। इस अस्पताल में कार्यरत लगभग सभी सुरक्षा कर्मियों का भविष्य अधर में लटकता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा कर्मियों के अंदर चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही। दरअसल राजधानी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में कार्य सभी सिक्योरिटी गार्ड ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे थे और ये सभी सिक्योरिटी गार्ड अभी आकाश स्टील नाम की कंपनी के साथ ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे लेकिन अब इस कंपनी का अस्पताल से ठेका खत्म हो जाने के कारण अब ये सिक्योरिटी गार्ड बेरोजगारी की कगार पर आ गए हैं। इसी को लेकर इन सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल परिसर में अपनी नाराजगी जाहिर की। इन सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल परिसर में नई कंपनी के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए गार्ड एकता जिंदा बाद के नारे भी लगाए। सिक्योरिटी गार्ड ने आरोप लगाया है कि भर्ती शुल्क न देने के एवज में उन्हें नौकरी पर भर्ती नहीं दी जा रही है। ऐसे में लगभग सभी सुरक्षा कर्मियों की नौकरी अधर में लटकती दिखाई दे रही है। कानपुर देहात में बच्चों को उच्च शिक्षा देने वाले